युद्ध की वजह से कई सालों तक तबाही हुई, जमीन खून से लथपथ थी, बचे हुए घायल लोगों की चीख दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। मैं साझा था, मार दो मुझे अभी। जो भी जिंदा बचा इसको चेतावनी समझे। नहीं रुक जाओ, नहीं रुक जाओ। उसको भी लटका दो। जुकाई की कहानी। हे, कौन है? हे, कैसे हो? ये डॉक्टर के लिए। ओह, आपका शुक्रिया। अरे शुक्रिया की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो कुछ नहीं, आज उनके वजह से ही मेरा बेटा भाग दौड़ सकता है। हाँ तुमने सही कहा, इन जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया बुरी नहीं लगती है। हाँ तुमने सही कहा। तुम अब गेंडों की मुश्किल से हिला सकते हो, बस अभ्यास से सब हो जाएगा। क्या सच में मेरा भी एक हाथ है? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ क्या ये बात सच है कि आप इसके पैसे नहीं लोगे? मैं ये अपनी खुशी के लिए करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया मास्टर। ओ तुम आ गए, इस लड़के को बाजू हिलाना सिखाओ। जी। अगला लेट चुकाई बुद्धा जैसे है ना? हाँ वो है। जब मैं अनाथ था उन्होंने मुझे जीने के लिए एक मकसद दिया और मुझे यहाँ काम करने में कोई परेशानी भी नहीं है। ये पूरी रात जागे हुए थे?
हम लोग पहुंच ही गए हैं, बस थोड़ी देर आओ। क्या हुआ है? कि डॉक्टर जुकाई का घर यहाँ नजदीक है। एक गुजरता हुआ समुराई से लड़ाई करने लगा और इसका हाथ काट दिया। मेरा बेटा। आप चिंता मत करिए, मास्टर इसकी जान जरूर बचा लेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा पर मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ओ डॉक्टर, आपका शुक्रिया। तुमने सुना, तुम ठीक हो जाओगे। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आप देखिएगा, कुछ दिनों में ही उछल कूद करने लगेगा। मुझे लगा कि डॉक्टर बहुत भयानक होंगे, पर अच्छा हुआ मैं आई। अफवाहों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अफवाहें? कुछ नहीं। कानामी मास्टर, क्या ये बात सच है कि आप लॉर्ड शिवा के साथ थे? जब मैं समुंदर में गिरा, एक विदेशी जहाज ने मुझे पकड़ लिया। मैं उनके साथ उनके एक देश चला गया। वहां मैं नकली हाथ बनाना सीखा उनके लिए, जिन्होंने हाथ अपने खो चुके थे। पर ये मेरे पापों का प्रायश्चित कर नहीं सका। पर बिना कोई दुख के मौत मरना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह माफी के लायक है। मुझे मर जाना चाहिए था, पर मुझे बचा के रखा, उसका मतलब कि मेरे जीने का मकसद था। शिवा क्लैन के युद्ध के वक्त मेरे पापा को मारा गया था। पापा, पापा, पापा। तुमने मारा मेरे पापा को। कानामी, प्लीज। तो अब जान की भीख मांगना चाहते हो? मुझे मेरी जिंदगी की परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है करो, बस उस बच्चे से किया गया वादा पूरा कर दे दो। उसके लिए शुक्रिया। तुम्हें कभी भी प्रायश्चित नहीं मिलेगा। और ना ही कभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। हाँ।
ये जिंदा नहीं हो सकता है ना? तुम में तो जान है। क्या हुआ? आपको लड़का हुआ है, मुबारक हो। आखिरकार आपने कर दिया महारानी, ये मेरा वारिस होगा। लगता है उस केकर को तुम पसंद आ गए। अरे संभाल के वरना मार्क्स उतर जाएगा। रुको, रात के खाने के लिए कुछ लेने चलते हैं। चलो चलो अब जाना है। एक बार और मुझे फिर से जीने दिया गया। इसके शरीर के बहुत सारे हिस्से नहीं थे और तो और ये सुन भी नहीं सकता था। पर इसके पास कमाल की ताकत थी। जानने की आरजू। ये तुम्हारा नाम है? इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो डेमन से भी खतरनाक है। उनका शिकार मत हो जाना हयाकिमारु, तुम्हें उनका सामना करना होगा। हयाकिमारु, तुम ठीक हो? वो आखिर था क्या? क्या हुआ? मॉन्स्टर्स? वो इसकी शक्ति के वजह से इधर आए होंगे। हयाकिमारु, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हें अपने आप को जिंदा रखना होगा। तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। आप जीते। युवराज ताऊमारू, आप कितने ताकतवर हो? कैसा लगा? मैं इस राज्य में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ताऊमारू, वाह तलवार बाजी। पिताजी, मुझे नीचे उतारो। माताजी। क्या हुआ? कुछ नहीं।
अरे हाँ पिताजी, मुझे अपनी पिछली लड़ाइयों के बारे में कुछ बताइए। ठीक है। मुझे इसके घाव पे पट्टी लगानी होगी। इसे डर नहीं लगता क्योंकि इसे दर्द नहीं होता। इसे कोई अफसोस नहीं होता किसी की जान से मारने के लिए। मेरा बस एक ही इच्छा है। वो अपनी तकदीर बदल दे। वो और ज्यादा शक्तिशाली बन के जिए। ये पहली बार नहीं था। क्या मैंने फिर से गलत फैसला ले लिया है? Hyakkimaru, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? Hyakkimaru, हाँ, तुम्हारा पाव, आखिरकार तुम्हारा पाव ठीक हो गया है। ठीक हो? हाँ। ये क्या हो रहा है? नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? एक पैर, एक असली पैर, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये गोल्स बस इंसानों को खाते नहीं, कई बार वो अपनी शक्तियां इंसानों को भी देते हैं। वो अपनी शक्तियों को देकर इंसानों का फायदा करते हैं, पर बदले में वो कुछ ले जाते हैं। तुम्हारे बारे में सोचे तो तुम्हारे शरीर के बहुत सारे हिस्से वो ले चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते का बाधा हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुम्हें बस जान लेना सिखाया है। ये तुम्हारे साथ था जब तुम मुझे मिले। ये तुम्हारे माता पिता को ढूंढने में मददगार साबित होगा।
अगर वो सभी मॉन्स्टर्स को मारेगा तो क्या उसे उसके शरीर वापस मिलेगी? हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। अतीत में कहीं किसी ने इस दानव का सौदा किया होगा, शायद उसके शरीर के बदले में। घटिया, ये सब करके क्या मिला? उसका नाक, कान, मुंह सब दे दिया। हाँ, जिसने भी ये सब किया है वो तो नर्क में ही सड़ेगा। हा? इन मॉन्स्टर्स को उनसे क्या चाहिए? एक आंख से थोड़ी उनका पेट भर सकता है। क्या पता, शायद उनकी आत्मा को इससे शांति मिलती हो। मतलब हयाक्कीमारु जाग गए? गरम है ना? वो भावनाएं महसूस करने की लौट रही है। रुक जाओ, तुम जल जाओगे। है, तुम कर भी क्या रहे हो? ओए पागल कहीं के। अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बचा। यकीन मारो,